बहुत ही लाइट है और मुंह में डालती है ना, पता नहीं कहाँ गायब हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। हाँ जी, दिल्ली वाले हो, कितना लगी? बहुत बढ़िया लगी थी, कारण है। कैसे लगी आपको? बढ़िया है, चलो गुड है। सो व्हाट्स अप गाइस, की हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देखो आज मेरा ब्लॉग बहुत ही स्पेशल जगह से स्टार्ट हो रहा है, महादेव की नगरी और 25,000 साल पुराना शहर वाराणसी से। और भाई हम अभी जा रहे हैं ठठेरी बाजार के अंदर और यहाँ के जायके ट्राई करेंगे, क्योंकि ठठेरी बाजार वो जगह है जिसके अंदरून गलियों के अंदर ना बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट बढ़िया बढ़िया जायके मिलते हैं, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे ना धमाल मचाया हुआ है। तो चलते हैं वहाँ पर और चल के ट्राई करते हैं ठठेरी बाजार के डिफरेंट डिफरेंट जायके। तो ये वाला जो एक टूर है ना, वो रहने वाला है ब्रेकफास्ट टूर, ठीक है। छोटी छोटी सी गलियां हैं, जैसे कि बेसिकली हमारे दिल्ली के अंदर चांदनी चौक वाली गलियां होती हैं, या अमृतसर की जैसे अंदर अंदर की छोटी छोटी गलियां ना, ये भी उसी तरीके से बनारस की वाराणसी की अंदरून गलियां हैं, अंदरून मार्केट है। और यहां पर हम ना अभी आए हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए राम भंडार पे। दुकान के आसपास इतना रश देख कर ही समझ आ रहा है कि भाई कुछ तो चीज़ है। तभी सुबह सुबह का टाइम है, लाइक अभी ना यहाँ पर सिर्फ 8 ही बजे हुए हैं और दुकान के बाहर चेक कर रहे हो कितना ही ज़्यादा वाला रश है। और मैंने सुना था कि इनका जो सामान है ना, वो 11 बजे तक ख़त्म हो जाता है। बाकी यहाँ पर देखो ये बंदर भी आ गया, तो ना थोड़ा सा डर लगता है कि भाई कहीं हमारे से ना कुछ अटैक ना कर ले। वो देखती हो, ओए क्या कर रहा है भाई, डर ऐसा डरा मत तू मेरे को। बाकी चलते हैं सामने राम भंडार पे और चल के ना देखते हैं कि इनका क्या स्पेशल है और लोग क्या पसंद कर रहे हैं खाना, ठीक है। भाई टोकन लेना भी ना एक बहुत बड़ा वाला टास्क है भाई, रश चेक कर रहे हो, सॉलिड वाला रश है। और टोकन लेने के लिए हम ना लाइन में लगे हुए हैं, अब पता नहीं कितनी देर के बाद नंबर आएगा, टोकन मिलेगा और उसके बाद अपने को ये सारा सामान मिलेगा। क्यों जी? पास में ही ना भैरव मंदिर है और सुबह सुबह के टाइम पे ना लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं और वहाँ से निकल कर यहाँ पे ना नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। वैसे देखो मैं तो डायरेक्ट ही आया हूँ यहाँ पे नाश्ता करने, बिकॉज मेरे को पता था कि यहाँ पे ना 11 बजे के बाद ना खाना मिलेगा नहीं और आज संडे है, तो मे भी हो सकता है कि आज 10 बजे तक ख़त्म हो जाए। सो मैं तो 8 बजे आ गया हूँ इसीलिए। बाकी अभी ना आहिस्ता आहिस्ता आसपास की सारी जगहें एक्सप्लोर करेंगे। सॉलिड रश है, नंबर मैंने लगा लिया है, अभी चल रहा है 15 नंबर और मेरा जो नंबर है ना वो है 40। तो मतलब 25 बंदों के बाद अपनी बारी आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली है। ये जो सारा ऑयल है, ये ऑयल कौन सा ऑयल है? देसी घी। ये भी देसी घी है, वो भी देसी घी है, सारा देसी घी है। यहाँ पर जो आप इतना रश देख रहे हो ना, ये रश सिर्फ सोशल मीडिया की पावर की वजह से नहीं है। एक्चुअली में ये दुकान 136 साल पुरानी दुकान है और ऊपर से यहाँ पे जो सारी चीज़ों की प्रिपरेशन हो रही है ना, वो सारी चीज़ें देसी घी के अंदर हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम पे इतना रश है। मैं एक अप्रॉक्सीमेटली 8 बजे के आसपास ना यहाँ पर आ गया था और 8:40 हो रहे हैं और अभी तक ना मेरा नंबर ही नहीं आया। क्यों भैया, आपका क्या नंबर है? मेरा 46 है। फिर कब तक उम्मीद है आपकी? और आधे घंटे तक आ जाएगा। ये भैया भी हमारे ना दिल्ली से ही है, चांदनी चौक से हो ना? नहीं, मैं लाजपत नगर से। अच्छा, लाजपत नगर से, क्या बात है। आ गया मेरा नंबर, आ गया 40 है मेरा। भाई तल्ली ले लिया। हाँ, नंबर आया नहीं है मेरा। भाई नंबर आया नहीं है, बट मैंने ना पहली बीच में से ना ले ली, मैंने कहा चलो आ गई यार, खाए बहुत देर हो गई है वेट करते हुए, भूख लग रही है। और बाकी देखो कुछ इस तरीके से अपने को ना यहाँ पर ये पत्ता मिलता है, तो ठीक है इसको जरा हम ना यहाँ पे रखते हैं और ट्राई करते हैं, ज़रा कोई डांट ना दे यार। तो यहाँ पर अपनी ना प्लेट रेडी होकर आ चुकी है और ये पूड़ी इन्होंने ना डबल डबल फ्राई करी हुई है, दो दो बारी फ्राई करी हुई है, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी ना कस्ता हो गई है कचौड़ी की तरह। और इसकी हम बाइट लेते हैं, ठीक है। और हेयर इज़ माई बाइट, ठीक है। ऊपर इन्होंने ना मूली डाली हुई है और जो सब्जी है ना इसके अंदर, ये आलू और न्यूट्री और साथ में छोले, ये तीन चीज़ों का मिक्सचर की सब्जी है ये वाली ना। इसकी बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी है। तो भाई साहब फ्रेगनेंस तो बहुत सही आ रही है यार, छोले का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया और ऊपर से ये जो पूड़ी है ना, ये खस्ता होने की वजह से ना बहुत सही लग रही है। मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी खस्ता खस्ता है और पूड़ी के अंदर भी ना दाल की फीलिंग है, तो इस करके ना इसका फ्लेवर भैया बहुत ही सही लग रहा है। और सब मसालेदार छोले हैं, एक नंबर। क्या बात है, बहुत ही मज़ेदार यार। हाँ जी, दिल्ली वाले हो, कितना लगी? बहुत बढ़िया लगी थी, कारण है। कैसे लगी आपको? बढ़िया है, चलो गुड है।
गाइस इंस्टाग्राम पे जो इसकी हाइप बनी हुई है ना वो बहुत ही सही बनी हुई है कि फ्लेवर जो था ना इनका वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल और बहुत बढ़िया वाला फ्लेवर है। मैंने ऐसा वाला फ्लेवर पहले कहीं पर भी नहीं ट्राई किया। बाकी चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। श्री राम भंडार से पूड़ी आलू खाने के बाद मैं आ गया हूँ किरी जी की मलाइयों खाने। ऐसे करके ना एक हम फोटो ले लेते हैं। भाई ये ना ओवरफ्लो हो रहा है, पहले जरा खा लूँ थोड़ा सा। बहुत ही लाइट है और मुंह में डालती है ना पता नहीं कहाँ गायब हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है, बट है मीठा मीठा और केसर का ना पूरा टेस्ट आ रहा है और पता लग रहा है कि कुछ दूध की आइटम खा रहे हैं हम लोग। मलाइयो जैसा नाम वैसा टेस्ट। एक बाइट को ना मैं इंजॉय करके खा रहा हूँ, सच्ची बताऊँ मतलब ये ऐसी चीज़ है और है पूरा का पूरा ना एक्चुअली कितने ये काइंड ऑफ झाग कह लो या बादल कह लो है ना, मुँह में डालती गायब। लाओ जी लाओ, इसके साथ ना दूध भी मिलता है अलग से और बस 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 भाई बहुत सारा डाल दिया आपने तो। ओके चलो इसको ना साइड पे जाके ट्राई करते हैं। केसर वाला दूध है और मीठा दूध है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। सर जी मैंने खा तो लिया, आपने पैसे लिए नहीं यार, पैसे ले लो सर। कितने का था ये अपना? 60 रुपये का। सर कितनी देर लगती है इसको बनाने में वैसे? इसका प्रोसेस अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के ये मथाता है। अच्छा। ये 2 घंटे में मथा के जब झाग आएगी तो उसमें इलायची गुलाब जल डाल के तैयार किया जाता है और ये 5 से 6 घंटे चलने वाली चीज़ है और ये विंटर में ही मिलती है आपकी दिवाली से होली तक। ठीक है ठीक है। सेकेंड लोकेशन बनारस की लक्ष्मी चाय और बटर टोस्ट। तो ये चाय आ गई है, ये वाइट बटर टोस्ट आ गया, ये सिजेरियन करके टोस्ट है जिसके अंदर साइड से कट करके ना अंदर भाई साहब मक्खन को डाला जाता है। तो इसको तीनों को ट्राई करते हैं। वैसे ये जो है ना ये इनकी स्पेशल है तो इसको सबसे पहले ट्राई करते हैं। ठीक है बहुत ही हमारा चाय एक नंबर है, बहुत बढ़िया। वैसे तो अभी ही पेट भर चुके हैं बट क्या करें यार, आपके लिए ना खाना पीना पड़ेगा क्योंकि वीडियो जो बनानी है। बाकी मैंने सुना है कि ना बनारस का जो दही है ना ये थोड़ा अलग है। सर दही कम से कम कितना मिल जाएगा? 20 रुपये का। 10 रुपये का नहीं देते यार? चलो 20 रुपये का दे दो। कितना ग्राम आएगा? 150 ग्राम। 150 ग्राम आएगा, चलो ठीक है दे दो सर। खाना है कि ले जाए? खाना है सर, टेस्ट करना है सर एक्चुअली में ना। क्या फ़र्क है कुछ? ये किसका दही है? ये भैंस का दूध का। प्योर होता है? प्योर। चलो ठीक है। मलाई साथ देना? हाँ मलाई ऊपर से रखेंगे ना। ठीक है चम्मच मिल जाएगा ना? हाँ ठीक है। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दही है, मस्त वाला है। तो ये आ गया है अपना मलाई वाला दही और इसको भी ना ट्राई करते हैं। सुना है कि यहाँ का जो दही है ना इसका टेक्सचर इसका फ्लेवर ना थोड़ा सा अलग है। हमने कहा बनारस जाते हैं, बनारस वालों की नगरी घूम कर आते हैं। जो तेरे आया ना? हाँ जी। कितने नहीं पाई है? जैसे कि जो सेवा करते हो। अच्छा कार सेवा? हाँ जी हाँ जी। जो आप करते हो जूता उठा के रखते हो? हाँ जी हाँ जी। वो नहीं कहीं मिलता? वो इसलिए होता है कि एक तो जूता उठाने से सेवा करने से ना वो कहते हैं कि थोड़ी निम्रता आती है इंसान के अंदर। रईस हमने देखे। हाँ नहीं वो होता भी है, वो यही होता है ना, मैं वही बता रहा हूँ। एक तो निम्रता आती है, दूसरा होता है कि बरकत पड़ती है घरों में ना हमारे। इंसान की ज़िंदगी बदलती है, सोच बदलती है, हर चीज़ बदलती है यार। बहुत बहुत है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ गया बाहर घूमता रहता हूँ, शिमला गए। हाँ जी। वो वहाँ पर क्या आनंद है वहाँ पर। एक्चुअली होटल फुटर पैसे में जो लगते वो नहीं प्रॉब्लम है, एक स्पिरिचुअल वातावरण होता है। हाँ जी हाँ जी। रोटी खाने के लिए आपने ऐसे करना है। हाँ जी। ये नहीं कि ले। हाँ जी ये बात है, बड़े ब्यूटीफुल है। और वो ऐसा प्रेम हो गया, बोले कि नहीं आपको रुकना है, प्रॉब्लम है। मैं कहूँगा इनसे, कहूँगा उनसे, कहूँगा बोले इतना प्रेम हमका हुआ क्या बताएं। दैट इज वो चीज़ नहीं मिलती।
थैंक यू आपका जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाबा जी ने तो बहुत कुछ सिखाया अच्छा अच्छा, पर फिर भी हम लोग ना उस तरीके से चल नहीं पाते। नहीं ठीक है, हाँ, बाबा ने किया काफी हो रहा है, मैंने वो एक समाज मैंने देखा, आई एम वेरी मच। चलो थैंक यू, खाओगे अंकल आप भी, ट्राई कर लो आप भी। अच्छा खाते नहीं है, दही है मुश्किल मेरे लिए। अच्छा मुश्किल है, आप यही से बनारस ही? बनारस ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे फादर वगैरह थे अमृतसर। अच्छा अच्छा अच्छा, मदर फादर अमृतसर। ठीक है ठीक है, हम जो बनारस में पैदा हुए। चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके जी, थैंक यू थैंक यू। ओए होए भाई प्यार हो गया इसके साथ तो, ये तो ऐसी वाली चीज़ मिल गई मेरे को। तक बनारस रहूँगा ना, इनका दही रोज खाऊँगा भाई। बड़ा सिंपल सा फ्लेवर है, बट जो भी फ्लेवर है ना कमाल का फ्लेवर है। और ये 20 रुपए का गिलास पड़ा है 150 ग्राम का। बहुत ही भूल भुलैया गलियां, बिना गूगल की मदद से ना तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। और मैं बता देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ ब्लू लस्सी पे लस्सी ट्राई करने के लिए, क्योंकि इनकी मैंने ना इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो बहुत सही लस्सी दिखती है यार। तो चल के और ट्राई करते हैं, ठीक है। ओल्ड दुकान है और यहाँ पे ना अंदर लोगों की ना, और इसके अंदर लोगों की दीवानगी जरा चेक करो भाई, एक बारी आपको मजा आ जाएगा। लुक चलो जी, लो हमारी लस्सी आ चुकी है, ड्राई फ्रूट वाली मैंने लस्सी ली है। इनके पास ना वैसे दो तरीके की लस्सी थी, एक ड्राई फ्रूट वाली और एक मिक्स फ्रूट वाली, बट मेरे को ना ड्राई फ्रूट वाली ज़्यादा सही लग रही थी। मिक्स फ्रूट के अंदर ना भाई बहुत सारे अलग अलग ना फ्रूट्स डाले हुए थे, सी के अंदर ना इन्होंने सैफ्रॉन भी डाली है, तो इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, किसी को बताना नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, उसकी ना सिर्फ इंस्टाग्राम पर हाइप बनी हुई है। टेस्ट के अंदर ना बिल्कुल नॉर्मल लस्सी है, कुछ भी अलग नहीं है, और प्राइस बहुत ज़्यादा है इसका उस हिसाब से, 120 रुपये। छोटा सा क्वेश्चन, कैसी लगी लस्सी? सही सही बताना, सच्ची सच्ची, झूठ नहीं बोलना। एवरेज 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 सेम है मेरे को भी ना, जस्ट एक छोटी सी हाइप बनी हुई है इंस्टाग्राम पे और इधर उधर, बट टेस्ट के अंदर बहुत नॉर्मल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा है सच्ची। चलो ओके थैंक यू। देखा जो मैंने बोला ना वही सेम चीज़ उन लोगों ने भी बोली है कि इसकी ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे हाइप बनी हुई थी, बट टेस्ट के अंदर ना बहुत नॉर्मल है। बाकी आई होप कि यार आपको हमारी इस वाली वीडियो के अंदर बहुत मज़ा आया होगा, और मेरी ये जो रिकमेंडेशन थी सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट वाली बनारस के अंदर ठटेरी बाजार वाली, ये भी आपको सारी की सारी बहुत बढ़िया लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर लो, और आपका जब भी प्लान बने ना बनारस आने का तो इन सारी जगहों को ज़रूर ट्राई करना। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, बाय 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 बाय, थैंक यू आप सबका, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है।